Good morning, my dear friends. So, today I am back again to tell you a story. In my previous class, I have told you the story of Double O. So, again I am here to tell you a story. Fine? So, today I am going to tell you the story of two vowels. Story of two vowels. Okay? तो अब आप बहुत ध्यान से मैम की स्टोरी सुनोगे कि मैम आपको स्टोरी में क्या सुना रहे हैं. ओके. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गोट. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गोट. डू यू नो दिस इज अ गोट. ओके. सो आई एम राइटिंग गोट हियर. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गोट. एक बकरी होती है. फाइन. गोट इज अ डोमेस्टिक एनिमल. तो वो क्या करती है? इट वॉज सिटिंग ऑन अ बोट. इट वॉज सिटिंग ऑन अ बोट. जो गोट होती है वो बोट के ऊपर बैठी होती है. इट वॉज सिटिंग ऑन अ बोट. बोट कहां पे चलती है? The boat floats on the water. The boat float. Float. Float on the water. अब जो बोट थी वो बोट के ऊपर बैठी है और जो बोट है वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है. अब वाटर तो बड़ा ठंडा ठंडा होता है ना. एंड द गोट वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड. अब देखो मुझे ठंड लग रही है, मैंने ये शॉल पहना है, मैंने ये स्वेटर पहना है. अब जब गोट को ठंड लगेगी तो गोट क्या वियर करेगी? गोट ने क्या किया हुआ था वियर? गोट ने कोट पहना हुआ था. बिकॉज द गोट वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड तो गोट वियर कोट. गोट ने कोट पहना हुआ था. तो क्या हुआ? जैसे ही वो रिवर में बोटिंग बोट चल रही है, फ्लोट्स ऑन द वाटर एंड इट वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, इट वियर्स द कोट. तो क्या हुआ? सडनली ओह, जब उसने ऊपर देखा ऊपर बहुत डार्क क्लाउड्स थे एंड इट स्टार्टेड रेनिंग. और रेन स्टार्ट हो गई अचानक से. अब क्या हुआ? रेन स्टार्ट हो गई. फाइन. अब गोट को तो बहुत ठंड लग रही थी, ऊपर से रेन स्टार्ट हो गई. तो उसने क्या किया? इट स्टार्टेड थिंकिंग विद ब्रेन. उसने अपने ब्रेन से थिंक करना शुरू कर दिया. क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं. आप भी सोचते हो ना, जब आप कुछ भूल जाते हो आप ब्रेन के साथ थिंक करते हो. ऐसे ही जब रेन स्टार्ट हुई तो गोट ने ब्रेन के साथ थिंक करना शुरू कर दिया. फाइन. तो किसके साथ थिंक करना शुरू किया? ब्रेन के साथ. फाइन. तो सडनली उसे एक आइडिया आया. उसने दूर डीप जंगल में बहुत सारे ट्रीज देखे. डीप इन द जंगल मतलब जंगल के अंदर ना, उसने बहुत सारे ट्रीज देखे. फाइन. तो वो फटाफट बोटिंग करके एक किनारे पे चली गई और जल्दी से भाग के एक ट्री के नीचे छुप के बैठ गई जो गोट थी. और फटाफट उसने थिंक किया, ट्रीज को देखा एंड ट्री के नीचे छुप के बैठ गई. मैंने आपको पहले भी बताया ना, ट्री हमें शेड देता है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन हीट, है ना. जब बारिश होती है अगर बहुत बड़े ट्री के नीचे खड़े हो जाते हैं तो हम बच जाते हैं रेन से. तो उसने रेन से बचने के लिए ट्री के नीचे खड़े हो गई. अब वहां पे खड़े 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 उसको तो बहुत टाइम निकल गया. तो उसने क्या किया? ओ माय गॉड, आई एम फीलिंग वेरी हंग्री. मुझे तो बहुत भूख लगी है. अब मैं क्या करूं. तो वो उसने फिर से ब्रेन से थिंक करना शुरू कर दिया. तो सडनली उसकी नजर, उसने ट्री के ऊपर देखा, ट्री के ऊपर बहुत सारे बीज. ट्रीज के ऊपर बहुत सारे बी थे. बी बोलते हैं मक्खियों को. एंड बर्ड्स. ट्री ने बी ट्री के ऊपर बर्ड्स को देखा और
बीज को देखा। अब जो जो बर्ड था ना, जो बर्ड था, ये देखो बर्ड है ना, बर्ड होता है ना ये जो फ्लाई करता है स्काई में। अब बर्ड ने क्या किया, बर्ड जो थे ट्री के नीचे ना, ट्री के आसपास बहुत सारे लीव्स, बहुत सारे लीव्स पड़े थे और सीड्स पड़े थे। जो बर्ड था, बर्ड आया, उसने अपनी बीक के साथ, जो बर्ड था उसने अपनी बीक के साथ उन लीव्स को और सीड्स को उठा के खाना शुरू कर दिया, फटाफट फटाफट फटाफट। और जो गोट थी, गोट बेचारी देखती रह गई कि मैं तो हंग्री हूं, मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे खाऊं। वो ना देखती रही इतनी देर में जो बर्ड थी, बर्ड ने सारी लीव्स और सीड्स जो नीचे गिरे हुए थे वो उठा के उन्होंने खाने शुरू कर दिए। फाइन, उन्होंने खाने शुरू कर दिए। अब गोट वहां पे खड़ी रह गई, गोट वहां पे खड़ी खड़ी अपनी टेल हिला रही थी ऐसे ऐसे करके, है ना, वो तो अपनी टेल हिला रही थी देखते देखते, है ना। और फिर उसके बाद उसको एक आइडिया आया, उसने कहा क्यों ना मैं बर्ड से हेल्प मांगू थोड़ी सी। तो उसने बर्ड को बोला, बर्ड बर्ड प्लीज गिव मी सम लीव्स एंड सीड्स टू ईट, प्लीज गिव मी सम सीड्स एंड लीव्स टू ईट। बट क्या हुआ, जो बर्ड थी वो बड़ी ही मीन थी, बड़ी ही मीन थी। मीन मतलब जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, दूसरे के बारे में नहीं सोचता हो, वो बड़ी मीन थी, है ना। तो उसने क्या देखा, उसने क्या किया, उसने मना कर दिया, उसने कहा नो, मैं नहीं लूंगी लीव्स और सीड्स, ये तो सारे मेरे हैं, ये मेरा हाउस है, ट्री के पास मैं रहती हूँ, इसके सारे लीव्स और सीड्स मेरे हैं, मैं नहीं दूंगी। ये बोल के वो खा के उड़ के ट्री में अपने नेस्ट में जाके बैठ गई। फाइन, तो जो गोट थी वो बेचारी बैठी थी, वो सोचती थी अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। सडनली उसको लगा कि मुझे भी कुछ काम करना चाहिए, ऐसे खड़े खड़े तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। तो उसने थोड़ी सी ट्राई की और वो थोड़ा सा बारिश से बाहर आई, है ना, थोड़ा सा उसने ट्राई किया, उसने कहा चलो मैं खुद ही एफर्ट करती हूँ, है ना। तो उसने क्या किया, वो ट्री के पास गई, है ना, वो जो आसपास ग्रास वगैरह और लीव्स वगैरह पड़े थे गोट ने उठाए और उसको खाना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही जो गोट थी वो, उसकी टमी फुल हो गई और वो हैप्पी हो गई। फाइन, तो और उसने जब वहां पे बहुत सारे लीव्स और सीड्स भी खा लिए थे तो वहां पे जो जगह थी वो भी क्लीन हो गई, वहां पे जो जगह थी वो भी क्लीन हो गई, ठीक है। तो क्लीन करने के बाद वो वापस अपनी बोट पे बैठ के फ्लोट करके बोट के ऊपर एंड अपने घर पे वापस चली गई, है ना। है ना, अच्छी स्टोरी है ना, गोट की स्टोरी। अब गोट में इसमें क्या हुआ, पहले तो गोट बैठी 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 सोच रही थी कि शायद मुझे बैठे बैठे खाना मिल जाए, मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन उसे क्या हुआ, उसे बर्ड ने तो बैठे बैठे खाना दिया ही नहीं, हार के उसको खुद अपने लीव्स को उठाना पड़ा, है ना। तो हमें भी अपना काम खुद करना चाहिए, थोड़ा बहुत हमें भी एफर्ट करना चाहिए, हमें भी पढ़ाई करने की कोशिश करनी चाहिए, मम्मा की हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए। सारा कुछ बैठे 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 नहीं मिलता, हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। फाइन, तो ये स्टोरी से एक तो हमें ये लेसन मिलता है कि हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है चीजों को अप लेने के लिए। फाइन, सेकेंड चीज इसमें एक और चीज कॉमन है जो मैं आपको बताने जा रही हूं, क्या कॉमन है। अब हर वर्ड में आपने देखा होगा टू टू वॉवल्स है, हर वर्ड में टू टू वॉवल्स है। फाइन, अब कौन कौन से वॉवल्स हैं, फर्स्ट है ANI। सबसे पहले तो हम वॉवल्स रिवाइज करते हैं, हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर, देयर आर फाइव वॉवल्स, ए I, O and U. These are five vowels. और हर वर्ड में टू वॉवल्स इकट्ठे हैं, हर वर्ड में टू वॉवल्स इकट्ठे हैं। फाइन, अब सबसे फर्स्ट वाला देखेंगे हम, ए एंड आई, ए एंड आई, फर्स्ट
अब इसका एक रूल होता है इसको रीड करने के लिए. हाँ, जो भी मैंने स्टोरी में ये वर्ड्स यूज किए हैं उन सब वर्ड्स में टू वॉवल्स इकट्ठे आ रहे हैं. यहाँ पे डबल ई है, यहाँ पे ओ ए है, यहाँ पे ई ए है, यहाँ पे ए आई है. टू वॉवल्स टुगेदर है. तो जब टू वॉवल्स टुगेदर होते हैं तो उसमें से जो सबसे फर्स्ट वाला वॉवल होता है वो बोलता है और सेकंड वाला चुप बैठता है. फाइन. तो व्हेन टू वॉवल्स आर सिटिंग टुगेदर और वॉकिंग टुगेदर, जो फर्स्ट वाला वॉवल होता है वो टॉकिंग करता है और सेकंड वाला उसको चुपचाप सुनता है. फाइन. तो हमें तो जब टू वॉवल्स टुगेदर होते हैं तो उसमें फर्स्ट वाले वॉवल की आवाज आती है, सेकंड वाले वॉवल की आवाज नहीं आती. अब जैसे ए एंड आई है, इसमें ए बोलेगा आई नहीं बोलेगा. तो हम व्हेन ए एंड आई टुगेदर द साउंड कम्स ए. तो हम ए और आई को सिर्फ ए बोलेगा, आई नहीं बोलेगा. और इसमें हम टू वॉवल्स में ये रूल होता है, हम इसकी साउंड नहीं निकालते हैं, हम इसका नेम लेते हैं. अब इसका नेम है ए ई आई ओ यू, ये इनके नेम्स है. हम इनका नेम बोलेंगे ना कि इनकी साउंड निकालेंगे. अंडरस्टैंड. नाउ लुक हियर, ए एंड आई बोथ आर वॉवल्स. ए एंड आई बोथ आर वॉवल्स. तो यहां पे नेम आ रहा है ए. तो व्हेन ए आई टुगेदर द साउंड कम्स ए. अब हम रीड करेंगे ए वर्ड्स को. मेरे साथ रीड करोगे आप सारे. र ए न रेड, ब्र ए न ब्रेन, ट ए ल टेल. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टू वॉवल्स. सो नेक्स्ट टू वॉवल्स आर ए एंड ई. ए सॉरी ई एंड ए. ई एंड ए, व्हेन ई एंड ए टुगेदर, इसमें से फर्स्ट वाला कौन सा है? ई. तो आवाज क्या आएगी? व्हेन ई एंड ए टुगेदर द साउंड कम्स ई. फाइन. हु सेज ई? ई ए. हु सेज ई? ई ए. हु सेज ए? ए आई. हु सेज ए? ए आई. सो नाउ लेट्स डू रीडिंग ऑफ ई वर्ड्स. ल ई Bzz, leaves. B e k beak. M e n mean. Cl e n clean. So next two vowels, twin vowel. Twin मतलब जुड़वा. Same to same, same to same. जब सेम टू सेम होते हैं तो इनकी साउंड थोड़ी लॉन्ग निकलती है ना. तो जब टू टू ई इकट्ठे होंगे, डबल ई. डबल ई सेज ई. डबल ई सेज ई. तो इसकी लॉन्ग आवाज आएगी. तो ड ई प डीप. ट्र इज ट्रीज. ब ई बी. स ईड्स सीड्स. फाइन. सो नेक्स्ट आते हैं, हम नेक्स्ट वॉवल पे आते हैं. ओ एंड ए. ओ एंड ए. ओ एंड ए टू वॉवल्स हैं. अब इसमें से हम एक की साउंड निकालेंगे. किस वाले की साउंड निकालेंगे? हम फर्स्ट की निकालेंगे कि सेकंड की निकालेंगे? आवाज किसको आवाज लगाएंगे हम? व्हेन टू वॉवल्स टुगेदर कौन से वाला लेटर बोलता है, किसकी आवाज आती है पहले? यस, फर्स्ट वाले की आवाज आती है. ओ ए हम इसको बोलेंगे. ओ ओ देखो, फर्स्ट है ए तो हम बोलेंगे ए. सेकेंड है ई तो हम बोलेंगे ई. ये है डबल ई, इसकी लॉन्ग साउंड निकलेगी ई. देन ओ एंड ए. ओ ओ एंड ए. ओ. फाइन. लेट्स डू रीडिंग ऑफ द ओ वर्ड्स. ग ओ ट गोट. ब ओ ट बोट. फ्ल ओ ट फ्लोट. क ओ ट कोट. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड है ना इसके पीछे कि हमने इसको रीडिंग कैसे करनी है. सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ कार्ड है ना, विच हेल्प अस टू डू रीडिंग ऑफ टू वॉवल वर्ड्स. ओके, यूजिंग टू वॉवल वर्ड्स. सो एवरीबडी हैव अ लुक ऑन द चार्ट एंड रीड आफ्टर योर टीचर. ओके एवरीबडी.
So now everybody look here. Today we will do reading of O words. O, look, two vowels हैं O and A. तो first वाला है हमारे पास O. तो हम आवाज भी O निकालेंगे. When O and A together, the sound comes O. Fine. So everybody read with me. B, O, T, boat. Next है हमारा G, O, T, goat. इसके बाद है हमारा next word फ्ल ओ ट फ्लोट. नेक्स्ट है र ओ ड रोड. नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेट फाइंड आउट लास्ट वर्ड है हमारे पास ट ओ ड टोड. टोड बोलते हैं डड्डू को. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट रीडिंग करते हैं हम. नेक्स्ट है हमारे पास टू वॉवल्स हैं ई ए. फाइन. फर्स्ट वाला बोलेगा सेकंड वाला साइलेंट रहेगा. ई ए सेज ई. ई ए सेज ई. फाइन. सो लेट्स डू रीडिंग ऑफ ई वर्ड्स. So have a look here. This is b e k beak. Next aayega cl e n clean. Iske baad aayega hamare paas next hai l e f leaf. नेक्स्ट है हमारे पास लीव के बाद आएंगे हम नीचे प्ल ई ज प्लीज. प्ल ई ज प्लीज. नेक्स्ट है हमारे पास न ई ट नीट. फाइन. सो नाउ नेक्स्ट रीड. नाउ आई हैव नेक्स्ट sheet. This is long e, double e, double e, double e says e. So everybody read here b e b. Next is fr e free. Next is next aayega hamare paas look here tr e tree. इसके बाद हमारे पास आएगा ट्री के बाद नेक्स्ट रीड करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास ड ई प डीप. फाइन. उसके बाद हमारे पास आ गया ध्यान से देखेंगे क्या आ रहा है व ई क वीक. देन हमारे पास लास्ट में है F E T feet. F E T feet. Next है हमारे पास two vowels A and I. When A and I together, sound first वाले की आएगी. आवाज first वाले को देंगे हम A. A A and I A. Tr A N train. नेक्स्ट है ब्र ए न ब्रेन. नेक्स्ट है न ए ल नेल. देन है र ए न रेन. देन लास्ट में है हमारे पास ट ए ल टेल. फाइन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द टू वॉवल्स वर्ड्स ना. अब इसके बाद हम क्या करेंगे हम अपनी बुक पेज ओपन करेंगे 71. बुक पेज नंबर 71. इसमें हमारे पास टू वॉवल से रिलेटेड वर्ड्स हैं.
हम लोग वो रीड करेंगे एंड देन मैम आपको इसकी ज्वाइनिंग सिखाएंगे कि हमने इसकी ज्वाइनिंग नोटबुक पर कैसे करनी है. सो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस लेसन एंड कीप डूइंग प्रैक्टिस. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप एनी टाइम. ओके सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप ग्रोइंग, कीप डूइंग योर वर्क. बाय बाय.